नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल यूपीएससी ऑन योर टिप में। आज जो हमारा चर्चा का विषय है वो ये है कि कोरोना वायरस हॉटस्पॉट क्या होता है। जैसे कि हम जानते हैं कि भारत और पूरा विश्व जो है एक बीमारी के खिलाफ लड़ रहा है और वो है कोविड-19। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड अगर हम लोग कभी भी कोई भी चीज़ न्यूज़ पे देखते हैं तो आज की डेट में सबसे ज़्यादा जो न्यूज़ पे चल रहा शब्द है वो ये है कोरोना वायरस हॉटस्पॉट। तो आज यही देखेंगे कि क्या है कोरोना वायरस हॉटस्पॉट, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आप कहीं भी नज़र डालिए किसी भी समाचार पत्र में, चाहे वो द हिंदू हो, चाहे वो टाइम्स ऑफ इंडिया हो, चाहे दैनिक जागरण हो, चाहे दैनिक भास्कर हो, आप किसी भी न्यूज़पेपर में डालते हैं तो आपको ये शब्द हमेशा देखने को मिलेगा कि कोरोना वायरस हॉटस्पॉट या तो ज़्यादा बढ़ गया है या तो दिल्ली सरकार ने बंद कर दिया है कोरोना हॉटस्पॉट में लोगों को आना जाना। तो इसी को देखते हुए आज जो है हम इसी पे देखेंगे कि है क्या। तो पहले आप हम अपने जो हमारा जो विषय है उस पे जाने से पहले एक बार हम नज़र मार लेते हैं कि अभी प्रेजेंट में क्या है, डेटा हमारा इस समय क्या है। जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ आज 14 अप्रैल को, तो उस समय जो है क्या हालात हैं कोरोना वायरस को लेकर के, क्या डेटा है वो देख लेते हैं। तो हमारे पास इस समय जो एक्टिव केस हैं वो है 8988 लोग, और जिसमें से 1035 लोग जो हैं वो डिस्चार्ज हो चुके हैं या फिर कहा जाए तो ये ठीक हो चुके हैं, और 339 लोगों की डेथ हो चुकी है या कहा जाए तो इनकी मृत्यु हो गई है, और एक व्यक्ति जो है वो माइग्रेट कर चुका है। तो ये आज का डेटा है जो हम लोगों ने देखा है, और ये डेटा का जो सोर्स क्या है वो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का ये जो डेटा है ये उसकी वेबसाइट से निकाला गया है। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं कि सबसे पहले कोरोना वायरस क्या होता है। ठीक है, तो कोरोना वायरस एक जो है वो विषाणुओं का एक बहुत बड़ा परिवार है जिसका हमारे शरीर पे प्रवेश करने से कुछ आपको सामान्य लक्षण देखने को मिलते हैं, जिसमें कि जैसे कि आपको बुखार हो सकता है, आपको नाक बहने लग जाएगी या सर्दी खांसी होने लग जाएगा। तो इस टाइप का होता है जिसमें सामान्य लक्षण में मैंने आपको बताया बुखार हो सकता है, आप लोगों को 2 से 7 दिन के अंदर जो है आप लोगों को सूखी खांसी हो सकती है, आप लोगों को जो है थोड़ा सा सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, उसके बाद गैस की समस्या हो सकती है, फिर आप लोग को डायरिया यानी कि पेट खराब हो सकता है, और आप लोगों को फिर लास्ट में आप लोगों को या पूरे शरीर में अकड़न या बदन दर्द हो सकता है। ठीक है, तो ये आप लोगों के सामान्य लक्षण थे, और जिसमें से अगर गंभीर लक्षण की देखें तो बहुत ज़्यादा आप लोगों को फीवर जो रहेगा, जो आप लोगों को बुखार रहेगा वो बहुत ज़्यादा रहेगा, 100 के ऊपर रहेगा, आप लोगों को निमोनिया भी हो सकता है, किडनी भी फेल हो सकती है, और उसके बाद जो है आप लोगों की डेथ भी हो सकती है। ठीक है, अब इसको देखने के बाद देखते हैं ये जो संक्रमण कैसे फैलता है। ठीक है, तो संक्रमण जो फैलता है वो कैसे है, यदि आप किसी संक्रमित तो व्यक्ति अगर मान लो छींक रहा है या खांस रहा है, अगर आप उसके पास में आ जाते हैं तो आप लोगों को हो सकता है, या फिर किसी संक्रमित वस्तु को आप लोग छू लेते हैं तो उससे आप लोगों को ये बीमारी हो सकती है। तो ये था एक कोरोना वायरस के बारे में एक बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट। अब आगे देख लेते हैं जो हमारा आज का मुद्दा है कि हॉटस्पॉट क्या होता है। ठीक है, तो हॉटस्पॉट जो होता है वो किसी भी जिले का एक छोटा सा एरिया होगा जहाँ पे 6 या 6 से ज़्यादा लोग आप लोगों को कोरोना वायरस पॉजिटिव मिलेंगे, मतलब कि वो कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्ति होंगे। ठीक है, और जान लीजिए ऐसे जगहों पर क्या होता है कि आप लोगों को यहाँ पर आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा कि यहाँ पर जो कोरोना वायरस की चेन है वो आगे और स्पीड से बढ़ने की कगार में आप लोगों को नजर आएगी। ठीक है, तो ऐसी जगहों में आपको क्या नहीं करना है और क्या करना है, तो ऐसी जगहों में सबसे पहले तो लोगों का आवागमन बंद हो जाता है, ना तो कोई वहां से अंदर आ सकता है ना तो कोई वहां पे बाहर जा सकता है। ठीक है, ऐसी जगहों पे लोग जो हैं वो साग सब्जी की दुकानों पे नहीं जा सकते हैं, और सबसे बड़ी बात यहाँ पे मीडिया भी अलाउड नहीं होगी। ठीक है, और यहाँ पे क्या करना चाहिए, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है लोगों को घर के अंदर की मॉनिटरिंग करनी चाहिए। ठीक है, और जो भी चीज़ है मान लो साग सब्जियाँ इस टाइप की चीज़ें जो हैं वो आप लोगों को घर पे ही ऑर्डर कर लेनी चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे एम्बुलेंस आने की सुविधा होगी, और आपको सबसे बड़ी बात जो है यहाँ पे हर ये एरिया को जो है हमेशा आप लोगों को सैनिटाइज करना चाहिए। तो यही आज का जो मुद्दा था, जो हमेशा समाचार में बना हुआ शब्द जो है वो हॉटस्पॉट क्या होता है, तो वो यही है, ये किसी भी जिले में एक ऐसा जगह है या ऐसी छोटा सा क्षेत्र है जहाँ पे 6 या 6 से ज़्यादा लोग आप लोगों को कोरोना वायरस से संक्रमित मिलेंगे, बस ऐसा ही है। और ऐसे जगहों के लिए कुछ अलग से आपके निर्देश दिए जाते हैं कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो अगर आप लोगों को ये पसंद आया तो प्लीज़ आप लोग इसको लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिए, और धन्यवाद। स्टे एट होम, स्टे सेफ, स्वस्थ रहिए और खुश रहिए, स्वार्थी बनिए।